दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वर्षों में गुड़ महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महाराजा मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। मराठी संस्कृति प्रति पोलैंड चे नागरिकांनी व्यक्त केलेला हा सम्मान आहे। मराठी संस्कृति प्रति पोलैंड चे नागरिकांनी व्यक्त केलेला हा सम्मान आहे। मराठी संस्कृतीत मानव धर्म आचरणाला सर्वात अधिक प्राधान्य आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर की रॉयल फैमिली ने बलिवड़े में पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। वहां भी एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। साथियों, आज ही मुझे मोंटे कैसिनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वैल्यूज, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। हम भारतीयों को
एफर्ट्स, एक्सलेंस और एम्पथी के लिए जाना जाता है। हम दुनिया में जहां भी जाते हैं, हम भारत के लोग मैक्सिमम एफर्ट्स करते दिखाई देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो, केयर गिवर्स हो या हमारा सर्विस सेक्टर हो, भारतीय अपने एफर्ट्स से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि मैं किसी तीसरे देश की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भारतीय एक्सलेंस के लिए भी पहचाने जाते हैं। आईटी सेक्टर हो या भारत के डॉक्टर्स हो, सभी अपने एक्सलेंस से छाए हुए हैं। और कितना बड़ा ग्रुप तो मेरे सामने ही मौजूद है। साथियों, हम भारतीयों की एक पहचान एम्पथी भी है। दुनिया के किसी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कोविड आया, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई, तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद